हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MR के ग्रीन गार्डन चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक छोटे से अनार के पौधे को लेकर, जो कि मेरे छत के ऊपर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। जो कि ये पौधा मेरे छत के ऊपर एक प्लास्टिक के 5 लीटर वाला बाल्टी में लगा हुआ है। देख सकते हैं, यह है अनार के पौधे का बाल्टी, और इसी बाल्टी में यह छोटा सा पौधा लगा हुआ है और देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। देख सकते हैं, छोटे से पौधे में ही फल फूल और फल आना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, अगर आप भी एक अनार का पौधा अपने छत के ऊपर लगाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ अनार का पौधा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा गमला या कोई भी कंटेनर लगेगा और 50% मिट्टी 50% गोबर की खाद से इस अनार के पौधे को लगा दीजिए और टाइम टू टाइम पानी देते रहिए। इसके 3-4 महीने बाद आपको बहुत ही खूबसूरत सा अनार का फूल फल देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी मेरे पौधे में आया हुआ है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं अनार के पौधे की ओवरऑल ग्रोथ, जो कि ये 3 से 4 महीने का पौधा है और इस पौधे में बहुत ही खूबसूरत सा फल और फूल आना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, जब भी अनार का पौधा आप खरीदिएगा तो एक बार पूछ जरूर लीजिएगा कि ये पौधा बीज से उगाया हुआ पौधा है या ग्राफ्टिंग वाला पौधा है, जो कि बीज वाला पौधे में फल आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 1.5 साल, और जो ग्राफ्टिंग वाला पौधा होता है उसमें 3 से 4 महीने में ही फल आना स्टार्ट हो जाता है। जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ है मेरे पौधे का ग्राफ्टिंग, ये ग्राफ्टिंग वाला पौधा है और इसमें 3 से 4 महीने में ही फुल फल आना स्टार्ट हो गया है। देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, अगर आपके छत में भी ऐसा एक अनार का पौधा लगा हुआ हो और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा होगा। दोस्तों, अगर आपके छत में भी ऐसा एक खूबसूरत सा छोटा सा गार्डन होगा तो और ही क्या बात है। जो कि मेरे छत के ऊपर ये एक छोटा सा गार्डन लगा हुआ है, देख सकते हैं, ये मेरा छत है और मेरे छत के ऊपर ये गार्डन लगा हुआ है। और भी मेरे छत के ऊपर बहुत ही सारे पौधे लगे हुए हैं, देख सकते हैं इधर बहुत ही सारे। इन सभी पौधे को लेकर मैं बारी बारी से एक एक करके वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज का ये मेरे वीडियो था अनार के पौधे के ऊपर, जिस पौधे में फूल आना स्टार्ट हो गया है। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो फूल है, इस फूल से मुझे कैमरे हटाने की मन नहीं कर रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही और भी न्यू अपडेट पाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। गार्डनिंग करते रहिए और खुश रहिए।